झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को दुमका जिला में मतदान होना है और उसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तिथि है और आज सोमवार को नामांकन करने वालों की भीड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा के 3 प्रत्याशियों द्वारा अभी तक नामांकन किया जा चुका है, जिसमें दुमका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन, जामा विधानसभा सीट से सुरेश मुर्मू और शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से पारितोष सोरेन ने नामांकन कर लिया है। नामांकन के बाद तीनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। क्या कहना है प्रत्याशियों का, पहले आप वो सुनिए। तक पहुंचा है और मैं जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन पार्टी के समर्थकों ने निष्ठा के साथ पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का काम किया है, संगठन के विस्तार का काम किया है, मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र को निश्चित रूप से जीतेगी। ललित सोरेन या बालक सोरेन किस रूप में देखा? नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि प्रत्याशी कौन है, मुद्दा यही है कि झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। जितना झूठा आश्वासन दे करके ये सरकार जीत कर आई थी पिछले विधानसभा के चुनाव में, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ और जिसके कारण क्षेत्र की जनता में उस सरकार के प्रति आक्रोश है, हताशा है और निश्चित रूप से शिकारीपाड़ा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगी। चौथी बार फील्ड में है तो इस स्थिति में किस तरह से जनता इस बार? नहीं, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा मैं कितनी बार लड़ रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा इतना मात्र कहना है कि इस बार सांगठनिक विस्तार गांवों तक पहुंचा है, बूथों तक पहुंचा है और वहां की जनता भी परिवर्तन के लिए ललायित है। चुनौती तो बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा चुनौती है उससे आप ज्यादा ताकतवर, ज्यादा प्रबल, ज्यादा उत्साह के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ, ये विषय थोड़ा गंभीर है, आप लोग जो कह रहे हैं, इसलिए कि लंबा समय तक लुइस दीदी और मैंने साथ में एक संगठन में रहा है। वो सुरेश मुर्मू क्या है वो जानती है, इसलिए थोड़ा सा है मेरे लिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है हमको, मेरा जो कार्य पद्धति है, मेरा कार्यकर्ता और बाकी वो सब चीज जानती है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता भी जामा के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कर्मठ है, जुझारू है, संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, इसलिए बहुत ज्यादा सुरेश मुर्मू चिंतित नहीं है। जामा सीट लंबा अंतर से जीतेंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं ने ठाना है और ये उत्साह है। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर आप इस बार जाएंगे, क्योंकि 2 बार आप पे भरोसा बीजेपी जताई है? बीजेपी तो मुझ पर एक कहीं ना कहीं ये प्रदेश संगठन या केंद्रीय नेतृत्व का सुरेश मुर्मू पर पैनी नजर रहा है। कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति प्रेम स्नेह जो प्रदेश के केंद्र के नेतृत्व को समझ में आया कि ये सुरेश मुर्मू जामा विधानसभा का नेतृत्व कर सकता है, जामा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता सुरेश मुर्मू के साथ है, ये दर्शाता है कि सुरेश मुर्मू को तीसरा बार यहाँ से प्रत्याशी बनाना। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो हम लोग चर्चा करेंगे तो भाई साहब बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए कि पिछले सरकार ने, अब समझाएंगे, पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया। फिर ये जब वो कहते हैं ना, वो संकट की घड़ी आई तो फिर वो प्रसाद बांटने लगे, तो अभी जनता यहाँ की समझदार है, सबको समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। आपके पुराने साथी जो हैं राजू पूजर जी, वो आपके छोड़ के चले गए हैं, क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, राजू पूजर जी सुरेश मुर्मू को नहीं छोड़ सकता और नहीं छोड़ेगा, वो सुरेश मुर्मू के साथ है, राजू पूजर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप लोगों को मैं ये बता दूं, राजू पूजर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केंद्र नेतृत्व के साथ है, प्रदेश नेतृत्व के साथ है, जामा के भाजपा के कार्यकर्ता के साथ है। तो सुना आपने, तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दुमका जिला का जो विधानसभा क्षेत्र है, खासकर दुमका और जामा, यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वर्षों तक भाजपा संगठन से जुड़कर दुमका विधानसभा से टिकट की आस में मेहनत कर रही
डॉक्टर लुईस मरांडी को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो बगावती तेवर अपनाते हुए उन्होंने झामुमो का दामन थाम लिया और झामुमो जामा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर डॉक्टर लुईस मरांडी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस बाबत जामा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू से जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सोरेन परिवार से अलग अगर कोई भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं तो चुनाव परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दुमका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन से जब पूछा गया कि लुईस मरांडी के भाजपा छोड़ने से दुमका विधानसभा सीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि आना जाना लगा रहता है, लुईस मरांडी के भाजपा छोड़ने से चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाती है यह तो जब मतगणना होगा उसके लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। दुमका से पंचम कुमार झा।